नमस्कार दोस्तों, आप सीखे नेटिंग चैनल में आपका स्वागत है। तो हमने ये स्वेटर बना लिया, इसका कैप बना लिया और अब हम इसका सॉक्स बनाएंगे। तो चलिए हम बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने सिलाई में 36 फंदे डाले हैं और 8 लाइन सीधा सीधा बुना है, सामने से भी सीधा और पीछे से भी सीधा, जिससे 4 उल्टे फंदों की धारियां आ गई हैं। और अब ये 9th रो है, तो इस रो में हम सभी फंदे सीधे बना लेंगे। नाइन्थ रो में सभी फंदे सीधे बना लिए गए हैं और ये 10th रो है, तो इसमें सभी फंदे उल्टे बना लिए जाएंगे। टेंथ रो में सभी फंदे उल्टे बना लिए गए हैं और ये हमारा डिज़ाइन का बेस तैयार हो गया है। और अब हम अपना दूसरा कलर इसमें अटैच करेंगे। 3 फंदा सीधा बुनेंगे, 1, 2 और 3। 3 फंदा सीधा बुनने के बाद चौथे फंदे को स्लिप कर लेंगे, फिर नेक्स्ट 3 फंदा सीधा बुनेंगे, फिर चौथे फंदे को स्लिप कर लेंगे, फिर 3 सीधा, फिर चौथे फंदे को स्लिप कर लेंगे। इस तरह 3 फंदा सीधा बुनते हुए और चौथे फंदे को स्लिप करते हुए, यानी हमें इन्हीं 4 फंदों को दोहराना है। 3 फंदे को सीधा बुनते हुए, चौथे फंदे को स्लिप करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर ली जाएगी। और रॉन्ग साइड से स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे और बुने हुए फंदे को उल्टा बुन लेंगे। स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे, बुने हुए फंदे को उल्टा बुनेंगे। तो इस तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। थर्ड रो में हम अपने फर्स्ट रो को ही दोहराएंगे, यानी कि 3 फंदे सीधा और चौथा फंदा स्लिप करना है, फिर 3 फंदा सीधा और चौथा फंदा स्लिप करना है। तो 3 फंदा सीधा बुनते हुए, चौथा फंदा स्लिप करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। फोर्थ रो और रॉन्ग साइड, अब इस लाइन में बुने हुए फंदे और स्लिप किए हुए फंदे, यानी सारे फंदे हमें उल्टा बुन लेने हैं। ये स्लिप किया हुआ फंदा इसे उल्टा बुनेंगे और बुना हुआ फंदा इसे भी उल्टा बुन लेंगे। सभी फंदों को हम इस लाइन में उल्टा बुन लेंगे। फिफ्थ रो और फ्रंट साइड, 5वीं लाइन में हम अपने प्राइमरी कलर से बुनेंगे और इन्हीं 4 लाइनों को दोहराएंगे, यानी 3 फंदा सीधा, 1 फंदा स्लिप करेंगे, 3 फंदा सीधा और जो फंदा स्लिप किया गया था उसी को वापस स्लिप कर लेंगे, फिर 3 फंदा सीधा बुनेंगे। और देखिए, ये फंदा स्लिप किया गया था तो वापस इसी को स्लिप कर लेंगे। तो इन्हीं 4 लाइनों को हम दोहराएंगे और उनका कलर बदल देंगे। 4 लाइन का ये डिज़ाइन है और 4 लाइन कंप्लीट करने के बाद अगला 4 लाइन दूसरे रंग के ऊन से बनाया जाएगा। तो हम 3 डिज़ाइन बना लेंगे। तो 3 डिज़ाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 3 डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है। तो अब अपने प्राइमरी कलर से सारे फंदे सीधे बना लिए जाएंगे। डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद प्राइमरी कलर से सभी फंदे सीधे बना लेंगे और रॉन्ग साइड से भी सभी फंदे सीधे ही बनाएंगे, जिससे उल्टे फंदों की एक धारी आ जाए। चूँकि हम इसका सेट बना रहे हैं, इसलिए हम डिज़ाइन इसके सिमिलर ही बनाएंगे। सभी फंदे सीधे बना लेंगे और रॉन्ग साइड से भी सभी फंदे सीधे बना लेंगे। तो अब प्राइमरी कलर के उनका कोई काम नहीं है, तो इसे हम
काट लेंगे और गांठ लगा लेंगे। और अब सेकेंडरी कलर के ऊन से एक फंदा सीधा बुनेंगे, ऊन अपनी ओर करेंगे, फिर दो फंदा को एक साथ लेंगे और दो का एक कर लेंगे सीधा बुनते हुए, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे, फिर दो फंदे को एक साथ लेंगे और दो का एक कर लेंगे सीधा बुनते हुए। तो हम यहाँ पे दो का एक भी कर रहे हैं और एक जाली भी दे रहे हैं, यानी जितने फंदे हैं उतने ही फंदे वापस हो जा रहे हैं, कोई भी फंदा घट बढ़ नहीं रहा है। तो ये हम बच्चे के मुझे में डोरी डालने के लिए हम ऐसा बना रहे हैं। तो दो दो फंदे लेते जाएंगे, दो फंदे लेते जाएंगे, दो का एक करेंगे और उसके पहले उन अपनी ओर कर लेंगे और तब दो फंदों को एक साथ लेके दो का एक कर लेंगे सीधा बुनते हुए, उन अपनी ओर करेंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे और दो का एक कर लेंगे सीधा बुनते हुए। तो ऐसा हम पूरी लाइन में कर लेंगे और लास्ट फंदा इसे हम सीधा बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये डोरी डालने के लिए बन गया है। तो अब हम 24 फंदों को सीधा बुनेंगे, गिन के 24 फंदों को सीधा बुन लेंगे, 2, 3, 23, 24 और फिर इन 12 फंदों को यूं ही छोड़ देंगे और यहीं से ऐसे टर्न कर लेंगे। अब पहले फंदे में से पर्ल वाइज डालेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे और 11 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे, ये एक हुआ, ये दो, यानी बीच के 12 फंदे हमें बुनने हैं और दोनों साइड से 12-12 फंदे छोड़ देंगे। तो ये 12 फंदे इस साइड हो गए और फिर लास्ट फंदा, ये 12वां फंदा ऐसे हम उल्टा बुन लेंगे और फिर यहीं से हम टर्न कर लेंगे और इन 12 फंदों को, पहला फंदा स्लिप कर लिया, सीधा बुनेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी अब हमें इन दोनों साइड के 12-12 फंदों को छोड़ देना है, सिर्फ बीच के 12 फंदे, यानी कि हमने यहाँ पे इस पूरे फंदे को 3 भागों में डिवाइड किया है। तो हमारे पास 36 फंदे थे, 36 स्टिचेस थे, तो हमने 12-12 फंदे 12-12 स्टिचेस छोड़ दिए हैं और सिर्फ बीच के जो 12 स्टिचेस हैं उन्हीं को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इन 12 स्टिचेस को हमें 18 लाइन तक सीधा सीधा बुनना है, आगे से भी सीधा और पीछे से भी सीधा, और 18 लाइन बुनने से हमारे पास 9 उल्टे फंदों की धारियां आ जाएंगी। तो मैं इतना कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 9 धारियां आ गई हैं, यानी 18 लाइन बुना जा चुका है। तो अब हम एक लाइन और बुनेंगे, यानी 19वां लाइन। तो 19वां लाइन में सारे फंदे, यानी 12 फंदे सीधे बना लेंगे। और अब हमें यहाँ से फंदे उठाने हैं, तो कैसे भी हम उठा सकते हैं, या फिर आप दूसरे सिलाई की मदद ले सकते हैं, या फिर ऐसे ही हम उठा सकते हैं। ये हुआ, एक, दो, क्रोशिए की भी आप मदद ले सकते हैं, 3, 4, 5, 6,
सात आठ और यहाँ से यहाँ लेंगे एक नौ, तो नौ फंदे हमने उठा लिए। और अब इधर से हमारे पास 12 फंदे हैं तो उनको भी हम बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से हम सभी फंदे सीधा बुनेंगे। पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, सभी फंदे को सीधा बुनेंगे। और अब हमें इन दूसरी साइड से भी 9 फंदे उठाने होंगे। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और ये नौ, तो हमने दूसरी साइड से भी 9 फंदे उठा लिए। और फिर ये बचे हुए फंदे इनको भी हम बुन लेंगे। और अब हम सभी फंदों को सीधा बुनते हुए 12 लाइन कंप्लीट करेंगे। तो हमारे सिलाई में 36 फंदे थे और हमने दोनों साइड से 9-9 फंदे उठा लिए, यानी इस समय हमारे सिलाई पे 54 स्टिचेस हैं। तो इन 54 स्टिचेस को हम दोनों साइड से सीधा सीधा बुनेंगे और हमारे पास ऐसे एक, ये देखिए उल्टी धारी आ गई है, तो ऐसी 6 धारियां आ जानी चाहिए। तो 6 धारी कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, 6 लाइन कंप्लीट हो गया है, 1 2 3 4 5 और 6, यानी 6 धारियाँ कंप्लीट हो गई हैं, यानी 12 लाइन बुना जा चुका है। तो ये 13वां लाइन है। तो हमारे सिलाई पे 54 स्टिचेस हैं, तो 13वें लाइन में हमें सिर्फ 27 ही बुनने होंगे। सभी फंदा हम सीधा बुनेंगे और सिर्फ 27 स्टिच ही बुनेंगे हम। तो हमने 27 स्टिचेस को सीधा बुन लिया है और हम इस समय एकदम मिडिल पॉइंट पे हैं। तो अब क्या करेंगे, इसको ऐसे उलट देंगे, ये इसको ऐसे उलट देंगे। देखिए हमारे जूते का शेप बन गया है। और फिर एक तीसरा सिलाई लेंगे और दो दो फंदों को एक साथ लेते जाएंगे। ये दो एक लिया, एक उल्टा फंदा बनाया, फिर दो फंदे लिया एक इस सिलाई से और एक दूसरी सिलाई से, दोनों सिलाइयों से एक एक फंदे लिया और दोनों को उल्टा बुना, दो का एक किया और पीछे वाले फंदे को उठाकर आगे वाले पे चढ़ा दिया। फिर नेक्स्ट एक सिलाई, दोनों सिलाइयों से एक एक फंदा लिया और दोनों को एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बना लिया, फिर पीछे वाले फंदे को उठाया आगे वाले पे चढ़ा दिया। नेक्स्ट एक एक फंदा लिया दोनों सिलाइयों से और दोनों को एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बना लिया और पीछे वाला फंदा आगे वाले पे चढ़ा दिया। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि तीसरी सिलाई पे दोनों सिलाइयों में से एक एक फंदा ऐसे लीजिए, एक बार इसमें से, एक बार इसमें से, एक बार पहले से, एक बार दूसरे में से, फिर एक बार पहले से, फिर एक बार दूसरे से, एक बार पहले में से, फिर एक बार दूसरे में से, दोनों सिलाइयों से एक एक फंदा लीजिए और सारे फंदे तीसरी सिलाई पे ऐसे कर लीजिए। इससे बुनने में बहुत ही आसानी होती है, फंदे गिरने का कोई टेंशन नहीं रहता है और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। तो दोनों सिलाइयों से एक एक फंदा हम तीसरी सिलाई पे ले लेंगे। और अब वापस हम दूसरी सिलाई पे
इन फंदों को कर लेंगे क्योंकि हमारा धागा जो है यहाँ पे है, तो इन वापस इन सभी फंदों को हम दूसरी सिलाई पे कर लेंगे। और अब हम दो दो फंदों को देखिए, अब दो दो फंदे ऐसे पेयर में आ गए हैं, तो दो दो फंदों को एक साथ लेंगे और दो का एक करेंगे, पीछे वाले फंदे को आगे वाले पे चढ़ा देंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे, दो को एक करेंगे, पीछे वाले फंदों को आगे वाले पे चढ़ा देंगे, या फिर इसको भी आप बाएं सिलाई पे चढ़ा दीजिए और इकट्ठे तीन फंदों को लीजिए और तीन का एक कीजिए, इसको भी बाएं सिलाई पे चढ़ाया, ये दो फंदे और इस फंदे को यानी तीन फंदों को एक साथ लीजिए और तीनों को एक साथ लेते हुए तीन का एक कर लें। तो इन दोनों विधियों में से आपको जो सूटेबल हो, आपके लिए जो सूटेबल हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगता हो आप उस तरीके से बुनिए और सारे फंदे क्लोज कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, सारे फंदे क्लोज हो चुके हैं। अब इस धागे को थोड़ा लंबा काटिए क्योंकि इससे हमें सिलाई करनी है, और इसके अंदर से ऐसे इसको निकाल लीजिए, थोड़ा सा ऐसे टाइट कर दीजिए और इसे सुई में डालिए और इसे अब सिलना शुरू करते हैं। ये हमारे जो एज दिखाई दे रहे हैं उसमें ऐसे सिलाई सुई डालिए और सिलना शुरू कर दें। डोरी बनाने के लिए हम एक लंबा धागा लेंगे, उसको डबल करेंगे और दोनों सिरों को ऐसे ऐसे हमें घुमाना है, एक क्लॉकवाइज और दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज, एक बाहर की तरफ और एक हाथ को अंदर की तरफ, अंदर की तरफ घुमा रहे हैं और दूसरे को बाहर की तरफ, तो ऐसे हमें घुमाना है। देखिए ये बदना शुरू हो गया। फिर दोनों सिरों को आपस में ऐसे मिला देंगे तो ये लिपट के आपस में एक सुंदर सी डोरी तैयार हो जाएगी, और फिर दूसरे सिरे पे आप गांठ लगा दीजिए ताकि ये खुले ना। दूसरे सिरे पे हम गांठ लगा देंगे, अगर खुल रहा है तो ऐसे एक लपेट देंगे और फिर यहाँ पे गांठ लगा देंगे। अब क्रोशिया लेंगे और तो हमारा ये बेबी सॉक्स तैयार हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।